Hi guys, wish you a very very good morning. This is me, Aisha Joshi, and you're watching me on the channel of Achieve IAS. So here it is 8th of October 2020, and we are going to take today's The Hindu news analysis. So सबसे पहले तो देखिए, मैं आपके साथ एक स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहती हूँ. प्रीलिम्स क्रॉस कर चुके हैं, अब बारी है मेंस की. अगर जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हमारे 90 प्लस जो है कर जा रहे हैं स्कोर्स, तो कट ऑफ जो है, हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर बात करें तो 90-95 एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, राइट. अगर आपके इतने 90 प्लस कट ऑफ के बेसिस पे अगर हम बात करें और इतनी आपकी स्कोरिंग हो रही है, तो अल्टीमेटली यू शुड गो फॉर मेंस, यू शुड प्रिपेयर फॉर मेंस, एंड फॉर दैट यू शुड गो फॉर एडिटोरियल्स, यू शुड गो फॉर न्यूज़पेपर्स, यू शुड गो फॉर ऑल दोज आई कैन से टॉपिक्स, हॉट टॉपिक्स, करंट टॉपिक्स विच वर न्यूज़ फॉर लास्ट वन ईयर. ओके, सो हम जो एडिटोरियल्स यहाँ डिस्कस करते हैं, उसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि आपको वो चीज़ें समझ में आ जाए. आप जब एडिटोरियल को यहाँ ब्रीफली समझ लेते हैं कि अल्टीमेटली इस एडिटोरियल में क्या दिया हुआ है, तो उस पर्टिकुलर मेंटालिटी के बेसिस पे आप उस आर्टिकल को पढ़ के और उसके बेसिस पे अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं. अच्छा, एक चीज़ और बता देती हूँ आपको. मैक्सिमम लेवल पे वो क्वेश्चंस आते हैं आपके मेंस के अंदर जो इन दिनों न्यूज़ में रहे हो और जिन पे आप लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूँ CAA, बहुत अच्छा टॉपिक है, आने के लिए 100% चांस बनते हैं. इस पे आपके व्यूज़, इससे रिलेटेड फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, इससे रिलेटेड टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. यही अगर मैं बात करूँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, ये भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर डेफिनेटली आने के चांस बनते हैं. और आप इस पे अगर आपने एडिटोरियल्स को अच्छे से पढ़ा है, आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़ा है, तो आप डेफिनेटली आंसर राइट आउट कर सकते हैं. तो सेम थिंग इज हैपनिंग हेयर. इन एवरी इंडिविजुअल एडिटोरियल यू आर गेटिंग अ न्यू एस्पेक्ट, you are getting a new point of view, you are getting new points related to the topic. आपके दिमाग में, कई बार हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं आ पाती, लेकिन वो चीज़ें हम कहीं से सुनते, देखते, पढ़ते हैं, तो definitely हमें समझ में आता है, अच्छा it is good, ऐसा है, ऐसा हो सकता है. तो यहाँ पे editorial section के अंदर जो articles होते हैं वो हमें हमारा नज़रिया change करने, हमें answer को write out करने के लिए किस तरीके की mentality होनी चाहिए. Because you can't be so negative, you can't be so positive regarding any topic if you are an aspirant or you are preparing for civils. अगर आप एस्पिरेंट हैं, अगर आप सिविल्स एस्पिरेंट हैं, आप IAS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपका जो नज़रिया है, आपकी जो थ्योरी है, वो ना तो नेगेटिव होनी चाहिए और ना ही पॉजिटिव होनी चाहिए. आप एक न्यूट्रल एस्पेक्ट पे चलने चाहिए, और वो न्यूट्रलिटी जो क्रिएट होती है वो एडिटोरियल सेक्शन से होती है. ठीक है, आपको नॉलेज भी मिलता है, प्लस आपके अंदर न्यूट्रलिटी क्रिएट होती है, न्यूट्रल होते हैं आप, और इसके अलावा आपके जो पॉजिटिव और नेगेटिव माइंड थॉट्स हैं या थॉट प्रोसेस है, वो एक न्यूट्रल लेवल पे आके स्टैंड हो जाते हैं. ठीक है, और कई सारे आइडियाज़ मिलते हैं आपको कि आपको मेंस में कैसे आंसर राइट डाउन करना है. तो अल्टीमेटली व्हाट आई वांट टू से, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस ईयर मेंस और 2021 प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, देन यू शुड गो फॉर ऑल दीज एस्पेक्ट्स. ओके, you should go for the Hindu editorial or news analysis at all. So let's take it. The first news is based on Shaheen Bagh. Supreme Court said that public places cannot be occupied indefinitely. Okay, so blocking by of roads by Shaheen Bagh protesters unacceptable. Supreme Court ka kehna hai ki Shaheen Bagh jo hai, jise istemal kiya ja raha hai protest ke liye, unka वहाँ के लोगों द्वारा, जो लोग उसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे और जिन लोगों ने उसे ब्लॉक कर रखा है शाहीन बाग को, उनका जो है प्रोटेस्ट करना और लेकिन सड़कों पर उतर आना, सड़कें ब्लॉक करना या पब्लिक प्लेसेस को ब्लॉक करना, अल्टीमेटली किसी भी लेवल पे एक्सेप्टेबल नहीं है. ओके, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को बताया कि लोगों को पूरा अधिकार है, लोगों का फंडामेंटल राइट है कि वो प्रोटेस्ट करें. कोई भी कानून जो उन्हें पसंद नहीं आया या उन्हें लगता है गलत है, तो उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं. लेकिन पब्लिक रोड्स को ब्लॉक करना
किसी भी मैटर से रिलेटेड, कोई भी मैटर है आपका, कोई भी कंसर्न है, ठीक है, उससे रिलेटेड मैटर को लेकर के पब्लिक रोड्स को ब्लॉक कर देना, या फिर वहाँ पे जो है आप बैलेंसिंग फैक्टर नहीं क्रिएट होना, कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस को क्रिएट कर देता है। मैटर की तरफ कंसर्न होना अच्छी बात है, लेकिन आपको बैलेंस बना के चलना होगा, एक बैलेंसिंग फैक्टर को लेकर चलना होगा, है ना। आप रोड ब्लॉक्स नहीं कर सकते, पब्लिक प्लेसेस को ब्लॉक नहीं कर सकते ये कहते हुए कि हमें प्रोटेस्ट का अधिकार है। आपको प्रोटेस्ट का अधिकार है, आपकी बात को सुना जाएगा, आपकी बात सुप्रीम कोर्ट तक डेफिनेटली जाएगी, लेकिन उसके लिए आप सड़कें या पब्लिक प्लेसेस को ब्लॉक नहीं करेंगे। काफ़ी लंबे समय, आपको बता दूँ CAA का जो मुद्दा है काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, CAB CAA जिसे हम कह सकते हैं, काफ़ी लंबे समय से जो मुद्दा चल रहा है उस मुद्दे को लेकर के यहाँ पे गर्मा गर्मी छाई हुई है। लोग नहीं चाहते थे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, या हम ये जो बिल है ये एक्ट में तब्दील हो, लेकिन हुआ, फिर इस एक्ट को लागू किया जाए। ऐसा भी जो है लोगों की डिमांड नहीं है। मैं आपको बता दूँ कि कुछ रिलीजन पर बेस्ड मुद्दा बन चुका है ये, अब हिंदू मुस्लिम्स का मुद्दा बन चुका है। जो लोग माइग्रेटेड हैं, जो भारत में काफ़ी साल से रह रहे हैं, हम कह सकते हैं ईस्टर्न जो पार्ट है उसके अंदर, सेवन सिस्टर्स साइड में, तो उस तरफ जो एरिया है जहाँ पे लोग बाहर से आए हैं, लाइक अदर कंट्रीज से, बांग्लादेश या अदर कंट्रीज से, उसके अंदर जो है काफ़ी सारे ऐसी कुछ सिक्स कास्ट इंक्लूड की गई है जिसके लोगों को यहाँ की सिटीजनशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी, लेकिन उसके अंदर मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं किया गया, तो उसी को लेकर काफ़ी मुद्दा चल रहा है। हेयरिंग प्लीज ओवर द रोड ब्लॉक्स ड्यू टू ऑन गोइंग प्रोटेस्ट एट शाहीन बाग पे CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके रिगार्डिंग जो है जस्टिस एस के कॉल और के एम जोसेफ का जो एक बेंच बिठाई गई थी, और उसमें इस बात को बताया गया कि जिस तरीके से रोड्स पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, शाहीन बाग से रिलेटेड जो मुद्दा है, शाहीन बाग एरिया के अंदर जो पूरी रोड प्रोटेस्ट और जो काफ़ी लंबे समय से CAA के वो चलते देखा जा रहा है, क्या वो सही है या गलत। तो बेसिकली देखिए, एक्ट बन चुका है, इस पर सरकार विचार कर सकती है अगर आवाज़ उठाई जाए, लेकिन आवाज़ उठाने का सही तरीका ये नहीं है कि आप सड़कों पर उतर आएँ, आप उन एरियाज़ को ही ब्लॉक कर दें। इट इज़ नॉट द करेक्ट वे, द राइट वे टू गो फॉर प्रोटेस्ट, ओके, और टू टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग एनी पर्टिकुलर एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी वर्क्स ऑन एक्सप्रेसिंग व्यूज़। आप डेमोक्रेसी कहाँ काम करती है, जहाँ आप अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने विचारों के आधार पर, अपनी लाइंस और बाउंड्रीज में रहते हुए। बाउंड्रीज को क्रॉस करके ऐसी चीज़ें करना जो दूसरे लोगों को भी नुकसान पहुँचाए, ये किसी भी लेवल पे एक्सेप्टेबल नहीं है। इट आस्ट सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े एंड एडवोकेट साधना रामचंद्रन टू टॉक टू शाहीन बाग प्रोटेस्टर्स। जो साधना रामचंद्रन और संजय हेगड़े दोनों ही सीनियर एडवोकेट हैं, उनसे रिक्वेस्ट की गई, इनसे इस बारे में बात कही गई, और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें कहा कि आप जो है प्रोटेस्टर्स हैं शाहीन बाग के, उनसे बात कीजिए और उनसे कहिए कि वो पब्लिक प्लेस को ब्लॉक ना करें और अपने एरियाज़ को लौट जाए। सो अल्टीमेटली यही आज के इस आर्टिकल में बताया गया है पूरी तरीके से, कि सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच बैठी थी उन्होंने कहा कि पब्लिक प्लेसेस जो है उन्हें आपके प्रोटेस्ट के लिए यूज़ लेना किसी भी लेवल पे सेंसिबिलिटी नहीं है। सो सुप्रीम कोर्ट ने 13 पेजेस का जजमेंट जारी किया जिसके तहत शांति से प्रोटेस्ट करने की डिमांड कही, और इस तरीके का प्रोटेस्ट जो CAA के खिलाफ शाहीन बाग पे एक लंबे समय से हो रहा है उसे स्टॉप करने की बात कही है। डेमोक्रेसी एंड डिसेंट गो हैंड इन हैंड, बट देन द डेमोन्स्ट्रेशंस एक्सप्रेसिंग डिसेंट हैव टू बी डिजिग्नेटेड places alone, the present undesignated area, but was a blockage of a public way which caused grave inconvenience to commuters. Fundamental rights to do not live in isolation. The right to the protesters has to be balanced with the right of the commuter. They have to coexist in mutual respect. Okay.
सो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना, अपनी सिचुएशंस को कंट्रोल में लाने की कोशिश करना, डेमोक्रेसी को यूज़ करना, ये सब अच्छी बात है. प्रोटेस्ट करना भी आपका फंडामेंटल अधिकार है. बट अल्टीमेटली दिस इज़ अ फैक्ट दैट यू कांट ब्लॉक दी पब्लिक प्लेसेस, यू कांट टेक द एक्शंस इन दीज प्रोटेस्ट दैट कैन हार्म और हर्ट द पीपल्स पब्लिक, जनरल पब्लिक. सो किसी भी पर्टिकुलर लेवल पे रोड ब्लॉक्स करना, पब्लिक प्लेसेस को जो है पब्लिक को परेशान करना है, पब्लिक प्लेसेस को यूज़ करना इन सब प्रोटेस्ट और अदर चीज़ों के लिए, ये अपने लेवल पे जो है किसी सेंसिबल या मैच्योर वर्क नहीं है. सो यू कांट गो थ्रू दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, यू कांट ऑक्यूपाई पब्लिक प्लेसेस फॉर ऑल दीज थिंग्स. ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन रिगार्डिंग शाहीन बाग. ओके, लो सो लेट्स टेक द नेक्स्ट आर्टिकल. द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ 4-4-1. इट इज़ ऑल अबाउट क्वैड. वॉट इज क्वैड? बेसिकली क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायगोनल, दैट इज क्वैड, इज़ द इनफॉर्मल स्ट्रैटेजिक डायलॉग बिटवीन इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया. इन चारों के बीच का एक संगठन बनाया गया है क्वाड, विद अ शेयर ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर एंड सपोर्ट अ फ्री, ओपन एंड प्रोस्पीरियस इंडो पैसिफिक रीजन. इंडो पैसिफिक रीजन के तहत फ्री, ओपन और प्रोस्पीरियस कंट्रीज और ऑब्जेक्टिव्स को इंश्योर करने के लिए इस क्वैड नामक संगठन को बनाया गया है. इस क्वैड नामक संगठन में इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया है. द आइडिया ऑफ क्वैड वॉज फर्स्ट मूटेड बाय जापानीज प्राइम मिनिस्टर. बहुत दिलचस्प बात है ये कि क्वैड का सबसे पहला जो आइडिया आउट हुआ था वो जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे द्वारा हुआ था 2007 में. हाउएवर द आइडिया कुडंट मूव अहेड विथ ऑस्ट्रेलिया पुलिंग आउट ऑफ इट अपेरेंटली ड्यू टू चाइनीज प्रेशर. चाइना के प्रेशर के चलते ऑस्ट्रेलिया जो है उसे बाहर मतलब पुलिंग आउट ऑफ इट एंड दे वॉन्ट टू मूव अहेड. द आइडिया कुडंट मूव. ओके, आइडिया इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था ऑस्ट्रेलिया के पर चाइना का प्रेशर होने के कारण. लेकिन 2012 दिसंबर के अंदर फिर शिंजो एबे ने इस आइडिया, इस कॉन्सेप्ट को एशिया के अंदर रखा, एशियन कंट्रीज के अंदर. एंड डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड इन्वॉल्विंग ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएस टू सेफ गार्ड द मैरीटाइम कॉमन्स. मैरीटाइम कॉमन्स जो है इंडियन ओशन और से लगा करके वेस्टर्न पैसिफिक तक के जो मैरीटाइम कॉमन्स हैं उनको, उनके सेफ गार्ड के लिए इन चारों देशों को सम्मिलित करते हुए डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड की का गठन किया. ये कॉन्सेप्ट सामने लेकर आए शिंजो एबे. और 2017 नवंबर के अंदर इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान इन चारों ने मिलकर के क्वैड नामक संगठन को बनाया एंड एक न्यू स्ट्रैटेजी क्रिएट की जिससे कि क्रिटिकल सी रूट्स जो है इंडो पैसिफिक के तहत उन्हें उनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस है किसी भी तरीके के चाइनीज़ इन्फ्लुएंस, स्पेशली चाइनीज़ इन्फ्लुएंस से मुक्त किया जा सके. ठीक है, सो इट इज़ ऑल अबाउट क्वाड. सो दिस आर्टिकल, दिस एडिटोरियल सेक्शंस आर्टिकल इज बेस्ड ऑन क्वाड. नाउ व्हाट इट इज़, वट एवर द बेनिफिट ऑफ क्वाड, क्वाड के कुछ भी बेनिफिट्स, जो भी बेनिफिट्स रहते हैं, इंडिया शुड नॉट लेड बाय द यूएस ऑन रीजनल इनिशिएटिव्स. रीजनल इनिशिएटिव्स के बेसिस पर इंडिया जो है इट शुड इट शुडंट लेड बाय द यूएस. विद द सेकेंड मीटिंग ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स, इनके क्वाड्रिलेटरल स्ट्रेटजी डायलॉग की जो सेकेंड मीटिंग रही फॉरेन मिनिस्टर्स की, वो टोक्यो में रही ट्यूसडे को. द क्वाड हैज़ एंटर्ड अ डिसीजिव फेज. डिसीजिव फेज में क्वाड एंटर कर चुका है. द मिनिस्टर्स हु हैड लास्ट मेट एट द यूएन जनरल असेंबली, वो सारे मिनिस्टर्स जो यूएन की जनरल असेंबली में लास्ट मिले थे उन लोगों ने मिलकर के एक कंसीडर्ड पुश टू होल्ड द मीटिंग डिस्पाइट द कोविड-19 पेंडेमिक. कोविड-19 पेंडेमिक के चलते इस पर्टिकुलर मीटिंग को होल्ड करने पर बल दिया था. इन अ डिपार्चर फ्रॉम द अर्ली सिक्रेसी दे मेड पब्लिक लार्ज पार्ट ऑफ देयर डेलिब्रेशंस एंड इंक्लूडिंग द डिसीजन टू मेक द फिनेंस मिनिस्टर मीटिंग ऑन एनुअल event to cooperate on combating the pandemic and on building infrastructure.
कनेक्टिविटी एंड सप्लाई चेन इनिशिएटिव इन द रीजन. इस पर्टिकुलर रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और सप्लाई चेन को बिल्डअप करने के लिए उनके उसके कॉम्बैट उसके कॉम्बैटिंग एक्शन के लिए जो है एक पर्टिकुलर कॉपरेशन के बेसिस पे ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी. एज द होस्ट होस्ट के तौर पे जापान के प्राइम मिनिस्टर योशीहिडे सुगा dispelled any notion that he might not be a proactive as his preceders that is Shinzo Abe. और इस पूरी मीटिंग के तौर पर ये ज़रूर पेश किया गया या ये ज़रूर रियलाइज़ किया गया कि शिंजो एबे जो हैं जिनके जिनके बाद अल्टीमेटली जो योशीहिडे हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं जापान के, वो अपने आप में एक बहुत ही प्रोएक्टिव नहीं है एज अ लीडर और ना ही उस लेवल पे वर्क कर पा रहे हैं. हु ओरिजिनली कंसीव द आइडिया इन 2007. आपको बताया कि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया शिंजो एबे ने ओरिजिनली 2007 में इस आइडिया को हमारे सामने रखा था चारों कंट्रीज के सामने. ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर मारिसे पाई ने अटेंडेड डिस्पाइट द 2 week क्वारंटाइन, 2 week की क्वारंटाइन के बाद भी इन्होंने जो है मीटिंग को अटेंड किया. दैट शी फेसेस ऑन रिटर्न एंड इंडियाज़ एक्सटर्नल हमारे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर अंडरटुक द जर्नी डिस्पाइट द गवर्नमेंट्स प्री ऑक्यूपेशन विद द LAC स्टैंड ऑफ. बट It is probably the US that displayed the most eagerness to hold the meeting. So, जहाँ पे ये तीनों देश अपने आप में जो है इस मीटिंग में सम्मिलित होते हुए नज़र आए, वहीं पे जो US के प्रेसिडेंट हैं वो सबसे ज़्यादा मतलब हम कह सकते हैं eagerness उनमें नज़र आ रही थी इस मीटिंग को होल्ड करने की, क्योंकि जस्ट कुछ दिन पहले ही बेसिकली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं, उसके कुछ हफ्तों पहले ही इस मीटिंग का होना कहीं ना कहीं मिस्टर ट्रंप की इमेज को इफ़ेक्ट करेगा. मिस्टर ट्रंप्स COVID-19 इलनेस एंड सडन हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो प्रॉम्प्ट किया गया, इसके बारे में US सेक्रेटरी द्वारा जो है ऑफ स्टेट दैट इज़ मीके पोम्पे उन्होंने कैंसिल किए हैं दूसरे शेड्यूल्स जो कि साउथ कोरिया और मंगोलिया के साथ रहे हैं, लेकिन टोक्यो के अंदर ही मेड इट क्लियर, उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया दैट हिज मिशन वॉज टू डायरेक्ट दी क्वाड टूवर्ड्स बिल्डिंग अ कोलिशन टू काउंटर पार्ट बीजिंग्स एग्रेशन. बीजिंग के एग्रेशन को काउंटर पार्ट करने के लिए, उसको जवाब देने के लिए हमारा क्वाड का संगठन बनना और उसकी मीटिंग का होना कहीं ना कहीं कंपल्सरी हो चुका है. ओके, saying that partnership was not multilateralism for the sake of it. He called on the entire Quad. उन्होंने पूरे Quad को जो है call up किया and they call up for collaboration to protect. It is the reason from what he called the CCP's exploitation, that is corruption and coercion. Pointing to the LAC standoff as well as Chinese aggression in the South and East China Seas, what he seemed to propose was not just a coalition of democracies committed to a free and open Indo-Pacific, as the Quad's informal charter has thus far stated. Instead, the US seems keen to on turning the quadrilateral into a full-fledged military alliance of countries facing tension with China. Ultimately, all the countries are facing tensions with China, and the US is somewhere facing also facing the tensions with China. Beijing and China is somewhere the part of a huge conflicts in all over the world. I don't know what and how much countries are supporting and how much countries are if not affecting to the aggression of China, but somewhere why China is too much aggressive and why they are behaving like this I really don't know, but somewhere it is affecting all the organizations, all the groups of countries which are not in support of all these activities. Okay, so Quad is somewhere beneficial for us. Whatever the benefits of Quad, India should not be led by the US on regional initiatives. Regional initiatives की अगर बात की जाए तो वहाँ US के साथ में इंडिया का होना कहीं ना कहीं problems क्रिएट कर सकता है. Quad के क्या objectives है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन ultimately जो है इस तरीके के मुद्दों को इस तरीके रीजनल इनिशिएटिव्स के तहत इंडिया का दूसरी कंट्रीज के साथ होना चाइना के एग्रेशन को और ज़्यादा बढ़ा सकता है.
ठीक है. सो गवर्नमेंट शुड नॉट डाउन प्ले द इम्पोर्ट ऑफ सच ओपनली स्टेट इन इंटेंशंस वाइल जापान एंड ऑस्ट्रेलिया आर बाउंडेड बाय अलायंस ट्रीटीज टू द यूएस न्यू दिल्ली हैज दस फॉर चार्टर चार्टेड इट्स कोर्स एंड स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी. मिस्टर पोम्पोज words could well be bluster born of politics ahead of the US elections, but they point to an interest is bringing India into bilateral tensions in the Indo-Pacific. देखिए basically Quad का जो मकसद है वो ultimately इन चार देशों व अन्य देशों के मध्य जो है संबंधों को सुधारने पर कार्य करता है. बट अल्टीमेटली इट इज़ ऑल्सो अ फैक्ट कि अभी एज ऑफ नाउ जो कंडीशंस चल रही है उनको देखते हुए इट इज़ नॉट अ गुड इनिशिएटिव टू गो फॉर ऑल दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज़. यूएस के इलेक्शन से पहले के स्टंट्स समझ में आते हैं लेकिन जापान और ऑस्ट्रेलिया इस तरह की एक्टिविटीज़ में सम्मिलित होने में विश्वास नहीं रखते हैं. मान लेते हैं एक तरफ कि कहीं इंडिया जो है यूएस से इस बात पर चर्चा कर सकता है क्योंकि ये मुद्दा कहीं ना कहीं चाइना से रिलेटेड मुद्दा इंडिया भी हैंडल कर रहा है. उसका एग्रेशन इंडिया को भी झेलना पड़ रहा है इवन मैक्सिमम लेवल पे झेलना पड़ रहा है. लेकिन क्या इस मुद्दे को क्वाड में रखना सही है तो अल्टीमेटली उसी को यहाँ पे डिस्कस किया गया. ओके क्वाड अच्छा है, क्वाड के बेनिफिट्स अच्छे हैं, अच्छी कंट्रीज इसमें एडेड है और डेफिनेटली इंडिया के लिए एक बहुत प्रोस्पीरियस मोमेंट है और आई कैन से इट इज़ जस्ट अ वेरी ऑस्पिशियस मोमेंट फॉर इंडिया टू बी अ पार्ट ऑफ क्वाड. बट अल्टीमेटली वी शुडेंट डिस्कस ऑल दोज टॉपिक्स और वी शुडेंट बी देयर विद द टॉपिक दैट इज़ द पर्सनल आई कैन से इंडिकेटर ऑफ एनी रीजनल डिस्प्यूट्स. ओके so it is all about it. let's go for the next one. next is the hole in the middle. physics Nobel celebrates both theoretical work and observational studies. physics के अंदर आपको पता है कल हमने discuss किया था रोजर पेनरोज एंड्रिया गेज एंड जो थर्ड जो हम कह सकते हैं तीनों को जिस तरीके का नोबल प्राइज़ दिया गया है फिजिक्स के क्षेत्र में. किस क्षेत्र में दिया गया है? ब्लैक होल्स. दिस ईयर्स नोबल प्राइज़ इन फिजिक्स अवार्ड स्टडीज़ दैट एस्टैब्लिश्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक होल्स. ब्लैक होल्स की एग्जिस्टेंस पर स्टडी के बेसिस पर इस साल जो है फिजिक्स के लिए अवार्ड दिया गया है नोबल प्राइज़. इट सेलिब्रेट्स थियोरटिकल वर्क एज मच एज इट डज डेडिकेटेड ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन जो डेडिकेटेडली किया गया था उसके और थ्योरेटिकल वर्क दोनों को ही सेलिब्रेट कर रहा है ये फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज है वो. ठीक है. एंड्रिया गेज इज ओनली इट्स फोर्थ विमेन रिसिपिएंट. चौथी विमेन रिसिपिएंट जिसको फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला वो है एंड्रिया गेज. रोजर पेनरोज नाउ एट ऑक्सफोर्ड हु गेट हाफ द प्राइज and indigenously used maths in the 1960s to the theorize under what conditions black holes must form. black holes जो है किस condition में form किए जाते हैं, किन conditions के तहत कार्य किया जाता है इसके अंदर. तो इस theory के ऊपर work किया उन्होंने 1960s की जो theory थी उस पर mathematically work करके रोजर पेनरोज ने खुद को अपने आप को इस prize के लिए बिल्कुल बराबर का काबिल बता दिया है. ठीक है. दिस वॉज अ टाइम वैन द रियलिटी ऑफ ब्लैक होल्स एज अ सोल्यूशन ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइंस फील्ड इक्वेशंस ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय मैनी प्रोमिनेंट फिजिसिस्ट. विदिन अ कपल ऑफ मंथ्स आफ्टर आइंस्टाइंस प्रपोज्ड हिज थ्योरी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन 1915 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जो है प्रपोज किया था किसने? आइंस्टाइन ने. उस पर काफ़ी वर्क करने के बाद में कार्ल श्वार्ट्ज़ाइल्ड पब्लिश्ड अ सॉल्यूशन इन द टू द फील्ड इक्वेशन दैट एग्जिबिट सिंगुलैरिटीज. सो और पॉइंट्स वेयर फिजिक्स क्वांटिटीज ग्रू इन्फिनेटली लार्ज और वैनिश्ड. टुडे दिस इज अंडरस्टूड as the event horizon, the point of no return beyond which even light cannot escape the black hole's gravitational attraction. So ultimately, it is all about the black hole, what will be the hole
ब्लैक होल्स कंसेप्ट, व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड द प्राइजेस, व्हाट आर द फाउंडेशन ऑफ ऑल दीज थ्री मेंबर्स ऑफ इट, एंड व्हाट पेनरोज, बेसिकली पेनरोज थ्रू द सिंगुलैरिटी थ्योरम्स आइडेंटिफाइड द फॉर्मेशन ऑफ ट्रैप्ड सर्फेसिस एज द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल्स इन अ जेनरिक मैनर. जेनरिक मैनर में कैसे ब्लैक होल्स फॉर्म होते हैं, उनकी क्या कंडीशन होती है, उसे ट्रैप किया है, उसके सर्फेस को ट्रैप करते हुए पेनरोज ने उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है और उसे सिंगुलर थ्योरम के रूप में प्रेजेंट किया है. ओके, दी स्टार्स फॉलोज इक्विलिप्ट, ओके, एलिप्टिकल, कैल्पे, कैप्लेरियन ऑर्बिट्स विच कैन ओनली इम्प्लाई अ सेंट्रल कंसनट्रेटेड मैसिव ऑब्जेक्ट, अ सुपर मैसिव ब्लैक होल. दस द प्राइज स्ट्रिंग्स टूगेदर थियोरेटिकल रिसर्च फ्रॉम 1960 से लगा करके अब तक के थियोरेटिकल रिसर्च, एंड डेफिनेटली फॉर द प्रैक्टिकल रिसर्च इट इज़ सच अ वेरी लॉन्ग ऑब्जर्वेशनल स्टडीज. दे हैव स्टार्टेड बाय 1990s, थ्री डिकेड्स लॉन्ग, एंड it reiterates that in the pursuit of truth, time is but a twinkle. So it is all about it. पलक झपकते ही इतना लंबा समय बीत गया, और इतनी सब लंबी स्टडीज के बाद में अल्टीमेटली जो है नोबेल प्राइज के लिए तक का जो सफ़र है उसे यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है. सॉरी, ब्लैक होल को यहाँ पे डिस्क्राइब करते हुए उसकी स्ट्रैटेजी को, उसके रीजंस को, उसकी लॉन्ग टर्म जो उसका टाइमलाइन रही है उसे यहाँ पे डिस्कस किया गया. अल्टीमेटली व्हाट इज ब्लैक होल, देखिए व्हाट आर ब्लैक होल्स. ब्लैक होल इज फॉर्म्ड व्हेन स्टार्स कोलैप्स एंड कैन बी डिफाइंड एज अ स्पेस इन द यूनिवर्स विथ एन एस्केप वेलोसिटी सो स्ट्रॉन्ग दैट इवन लाइट कैन नॉट एस्केप इट. एस्केप वेलोसिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इवन लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती है. सो अल्टीमेटली इस तरीके का स्पेस होना, एक डिफाइंड स्पेस होना यूनिवर्स के अंदर जो स्टार को कोलैप्स करता है, स्टार कोलैप्स हो करके जो फॉर्म होता है, दैट इज ब्लैक होल. एस्केप वेलोसिटी इज द स्पीड एट विच एन ऑब्जेक्ट. अब एस्केप वेलोसिटी क्या है, अभी हमने एस्केप वेलोसिटी को यहाँ डिस्कस किया. देखिए अभी हमने पढ़ा यूनिवर्स विद एन एस्केप वेलोसिटी व्हाट इट इज, देन एस्केप वेलोसिटी इज द स्पीड एट विच एन ऑब्जेक्ट मस्ट ट्रेवल टू ओवरराइड अ प्लैनेट और एन ऑब्जेक्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स. किसी भी ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फोर्स या कोई प्लैनेट से ओवरराइड करने के लिए जिस स्पीड के साथ में वो ट्रेवल करता है वो एस्केप वेलोसिटी के तहत आती है. फॉर इंस्टेंस फॉर अ स्पेस क्राफ्ट टू लीव द सरफेस ऑफ द अर्थ, जैसे कि स्पेस क्राफ्ट है वो अर्थ की सरफेस को जब लीव करता है और ऊपर की तरफ उठता है तो जिस स्पीड से, जो उसकी स्पीड होनी चाहिए 40,000 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली अबाउट इतनी ट्रैवलिंग स्पीड होनी चाहिए जिस स्पीड से वो यहाँ से उठकर अदर फर्दर स्पेस में जा सकें. सो इट इज़ ऑल अबाउट द एस्केप वेलोसिटी व्हाट इज नीडेड बेसिकली, एंड इट इज़ नॉट एस्केप इट, इवन लाइट इज़ नॉट एस्केप्ड इन ब्लैक होल्स. सो इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ स्टार, द कोलैप्शन ऑफ स्टार्स. ओके, नेक्स्ट आर्टिकल इज बेस्ड ऑन द रिसेंट मैटर दैट वॉज हथरस एट्रोसिटीज यूजिंग फैक्ट्स टू हाइड अंडरलाइंग ट्रूथ. फैक्ट्स को यूज करना ट्रूथ को छुपाने के लिए, इन द क्लेवर यूज ऑफ सीमिंगली अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड फ्रेजेस बाय द पावर वन फाइंड्स अ क्लियर इंटेंट टू डिसीव पीपल. पीपल्स को डिसीव करने के लिए एक क्लियर इंटेंट जो है वो बहुत पावरफुल वे में, एक पावरफुल फ्रेज के रूप में, अप्रोप्रिएट वर्ड्स के तौर पर क्लियरली नजर आ रहा है कि किस तरीके से क्लेवर यूज किया गया है उन वर्ड्स और थॉट्स का जिनके बेसिस पर, या उन फ्रेजेस का जिनके बेसिस पर जो है सच छुपाने की कोशिश की जा रही है. The Hathras atrocity is weighing on the national conscience or whatever is left of it. People have witnessed not just the most brutal phase of social oppression, but a cynical and brazen use of the state machinery to support the oppressors. Oppressors ko support karne ke liye ek state machinery ko jo yahan pe hai, humne is pure case ke andar dekha, humne logo ke brutal, most brutal phase dekha social oppressions ka, aur इतना ही नहीं हमने ये भी विटनेस किया कि किस तरीके से उस ऑपरेशन को दबाने के लिए सरकार अपने पूरे प्रयास भी कर सकती है. ठीक है,
सो बेसिकली द इन ह्यूमन असॉल्ट इन द टीन एज दलित गर्ल, एक टीन एज दलित गर्ल जो है उसके साथ में एक इन ह्यूमन असॉल्ट को जो है चर्चा की गई अभी रिसेंट डेज में. आई शेल कॉल हर भारती, उसे भारती के नाम से मैं बुला सकता हूँ. ओके, इवेंचुअली किल्ड हर वॉज फॉलोड बाय अ हेजिटेशन इन फिलिंग द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट द कॉलियस एंड इन डिफर्ड मेडिकल एग्जामिनेशन. बिल्कुल मेडिकल रिपोर्ट्स अलग आती है, स्टेटमेंट्स अलग आते हैं, उसके बयान अलग होते हैं. उससे पहले प्राइमरीली जो टेस्टिंग होती है वो बिल्कुल अलग होती है, और उस बेसिस पे पुलिस द्वारा जो है किसी अप्रोप्रिएट राइट्स के बिना ही उसके फैमिली मेम्बर्स के प्रेजेंट होने पर किसी अप्रोप्रिएट राइट्स के अगेंस्ट जा करके और सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए या पर कि कास्ट को सपोर्ट करने के लिए जो है इस तरीके के स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं कि व्हाट हैड हैपेंड वाज नॉट हैपेंड बेसिकली. सो अल्टीमेटली इस पूरे आर्टिकल के अंदर विक्टिम की आइडेंटिटी, उसके साथ हुई पूरी घटनाक्रम, उसे मोल्ड जिस तरीके से करने की कोशिश की गई, जिस तरीके से उस पूरे मुद्दे को स्विंग करने की कोशिश की गई, जिस तरीके से फैक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए सच छुपाने की कोशिश की गई, और inadequacies of homilies has been done by all these matters, so all these things. So इस पूरे आर्टिकल के अंदर बेसिकली उन वर्ड्स और फेसेस का इस्तेमाल किया गया है जो कि पावरफुल वे में सच को छुपाने की कोशिश करते हैं. सो ये पूरा मुद्दा जो है हथरस केस पर फैक्ट पर बेस्ड है, और इररिलेवेंट एक्सप्लेनेशंस जो दिए गए हैं और डिस्कोर्स की को शेप कर दिया गया है यहाँ पे. इसके अलावा सरकार ने पूर्ण प्रयास किए हैं विक्टिम्स को बचाने के, और अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कल्प्रिट्स को, बेसिकली कल्प्रिट्स को बचाने की, और अल्टीमेटली लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए जिस तरीके के प्रयास किए गए हैं. तो इन सारी चीज़ों से होने वाले सामाजिक प्रभाव को, सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन चीज़ों का, हर एक पर्सन की आइडेंटिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, या उस बंदी की आइडेंटिटी पर क्या जो है इम्पैक्ट हो देखा जा रहा है, या उस क्या इमेजिन किया जा सकता है जो इस दुनिया से जा चुकी है. ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट. एंड क्लेवरली जिस तरीके से मोल्ड करने की कोशिश की जा रही है सरकार व अन्य मेम्बर्स द्वारा, उसे भी यहाँ पर सराहा गया है. एक्चुअली इन अदर सेंस सराहा गया है, और बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो उसमें इंक्लूड किए गए हैं. सो यू शुड गो फॉर इट. ओके, द नेक्स्ट इज प्लेइंग कैच इन फ्लड फॉरकास्टिंग टेक्नोलॉजी. इंडिया नीड्स अ टेक्निकली कैपेबल वर्कफोर्स. हमें एक टेक्निकली कैपेबल वर्कफोर्स चाहिए दैट कैन मास्टर एनसेंबल वेदर एंड फ्लड फॉरकास्ट मॉडल्स. फ्लड जो है उससे रिलेटेड फॉरकास्टिंग या फिर जो वेदर से रिलेटेड जो एनसेंबलिंग है वो प्रॉपरली कर सके, ऐसी एक हमें मास्टर टीम चाहिए, ऐसी हमें एक टेक्नोलॉजी की फॉरकास्टिंग, फ्लड फॉरकास्टिंग टेक्नोलॉजी की नीड है, है ना. तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल है. टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कवर करता है, फ्लड डिज़ास्टर मैनेजमेंट को कवर करता है, और हमारा इंडिया की तरफ टेक्निकली कैपेबिलिटी को शो करता है. तो इन तीनों एस्पेक्ट्स को कवर करता है कि हमें क्यों चाहिए टेक्नोलॉजी, फ्लड फॉरकास्टिंग टेक्नोलॉजी की नीड क्यों है, किस लेवल पे ये हमारे लिए वर्क करेगी, क्यों हमें इसकी नीड है, और क्या हम इतने कैपेबल नहीं हैं, हमारे डिपार्टमेंट्स कहाँ लैक कर रहे हैं जिसके कारण हमें एक प्रॉपर फ्लड फॉरकास्टिंग टेक्नोलॉजी की नीड है. ओके, सो ये अपने आप में एक बड़े आश्चर्य की बात है कि लोकल एजेंसी मेकर्स जो हैं उनके डिसीजन जो होते हैं फ्लड फॉरकास्टिंग को लेके काफ़ी अप एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं, उसमें राइजिंग और फॉलिंग से होते हैं. कभी बोल देते हैं फ्लड जो है क्रिएट होगा, कभी बोलते हैं फ्लड की कोई संभावना नहीं है, और उस समय फ्लड जो है आ जाता है. तो अल्टीमेटली जो डिफ्रेंशिएशन से उनके वर्ड्स में देखने को मिलता है और रियलिटी में देखने को मिलता है, उनके जो विचार है या उन अच्छा वो अपने विचार मन से नहीं कह रहे, लेकिन अल्टीमेटली उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का अभाव है जो हमें फैक्ट दे सके, जो हमें रिलेटेड फैक्ट्स दे सके. सो अल्टीमेटली इस पूरे आर्टिकल के अंदर जो है टेक्नोलॉजी को रिलेटेड, इंडिया की जो नीड है फ्लड फॉरकास्टिंग टेक्नोलॉजी को रिलेटेड, फ्लड फॉरकास्टिंग को फोकस करते हुए जो इंडिया की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो नीड है उसे यहाँ पर डिस्कस किया गया है, उसे यहाँ फोकस किया गया है, और एनसेंबलिंग वेदर एज वेल एज फ्लड फॉरकास्टिंग मॉडल्स इज द नीड ऑफ इंडिया, द टेक्नोलॉजिकल नीड ऑफ इंडिया. सो इट इज डिस्कस्ड हेयर.
एंड यू शुड गो फॉर इट. आपके लिए बहुत अच्छा आर्टिकल्स है और इस पर्टिकुलर आर्टिकल से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना बनती है. फ्लड फॉरकास्टिंग टेक्नोलॉजी क्यों मुद्दे क्यों न्यूज़ में है, क्यों आज इसको एडिटोरियल में डिस्कस किया जा रहा है, और बेसिकली साइंस टेक को कवर करता है, आपके फ्लड फॉरकास्टिंग मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट को कवर करता है, और इतना ही नहीं इंडिया की नीड टेक्नोलॉजी की तरफ जो इंडिया की नीड है उसे यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है. सो यू शुड गो फॉर इट. बहुत अच्छा आर्टिकल है, आपको डिस्कस करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए. बहुत ईजी आर्टिकल भी है जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया, बस उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर इलेबरेट करके बताया गया है. ठीक है, सो यू शुड गो फॉर इट. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं मैक्सिमम फैक्ट्स के साथ में, मैक्सिमम लिंकेजेस के साथ में. इसके अलावा अगर कुछ आर्टिकल बच जाता है जो आपको लगता है कि आपको डिस्कस करना है, कोई टॉपिक है जो आपको लगता है मैम वी शुड डिस्कस इन आर एडिटोरियल सेक्शन और फर्दर डिफरेंट सेक्शन, देन वी विल डेफिनेटली गो फॉर इट. सो डोंट फॉरगेट टू डू द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डेफिनेटली just if you have any query just put it in comment section. I will definitely go for it. Bye bye, take care, have a great time ahead. Thanks for watching, keep learning.